आज हम लोग हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। निबंध से तात्पर्य होता है रोकना अथवा बांधना। निबंध शब्द बंध शब्द में नी उपसर्ग लगाने से बनता है, जिसका तात्पर्य है विचारों को बांध कर या फिर रोक कर रखना। मतलब विचारों का व्यवस्थित ढंग से जब हम विचारों को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तब उसे कहा जाता है निबंध। डॉक्टर गुलाब राय ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना कहते हैं जिसका आकार छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें क्या है, लेखक का निजीपन, लेखक के व्यक्तित्व भी परिलक्षित होना चाहिए, विचारों में सौष्ठव होना चाहिए, विचार सही ढंग से उसमें गुथे हुए हों, उसमें सजीवता होना चाहिए, वह जीवंत होना चाहिए, और जितने भी विचार उसमें आ रहे हैं किसी निबंध में वे एक दूसरे से भलीभांति संबद्ध होने चाहिए। इस प्रकार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को आत्मपरक रूप में व्यक्त करने के लिए सजीव, लालित्यपूर्ण और मर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करता है। तो निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों अथवा भावों को और अपनी निजी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए सजीव भाषा का प्रयोग करता है, जीवंत भाषा का प्रयोग करता है, बहुत ही मधुर मनोहर भाषा का प्रयोग करता है और मर्यादित भाषा शैली का भी प्रयोग करता है, जिसमें उसकी आत्मपरकता अथवा निजी अनुभूतियां, स्वयं को अभिव्यक्त करना, अपने विषय में स्वयं के बारे में अभिव्यक्त करना, स्वयं को अभिव्यक्त करना, या इसके लिए वह मर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करते हुए एक गद्य की रचना करता है। हिंदी में निबंध की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि यह जैसे अंग्रेज लोग जो निबंध लिखते थे ऐसे लिखते थे पश्चिमी देशों में, उसी का अनुकरण है। इसलिए हिंदी में निबंध की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। हिंदी में पहला निबंध कब लिखा गया और किसने लिखा, इस पर भी कोई एकमत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें निबंधों पर विचार करते हुए अवश्य दृष्टि में रखना चाहिए। हिंदी में निबंधों की शुरुआत गद्य की अन्य कई विधाओं की तरह भारतेंदु युग से ही हुई है। वास्तव में गद्य में निबंध लेखन एक बहुत ही नई विधा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। यह पश्चिमी देशों से आई हुई अवधारणा है। पहले पश्चिमी देशों में निबंध लिखा जा रहा था, तो किसी विशेष लेखक या व्यक्ति को हम यह श्रेय नहीं दे सकते कि यह निबंध लेखन की शुरुआत इन्होंने किया है, लेकिन वास्तव में हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई है। निबंधों के लेखन की शुरुआत क्यों हुई, इसके दो मुख्य कारण थे, एक प्रेस की स्थापना और दूसरे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो भारतेंदु युग में जब निबंध लेखन शुरू हुआ उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला तो प्रेस की स्थापना हो गई थी भारत में और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी चालू हो गया था। इन दोनों कारणों ने गद्य लेखन को प्रोत्साहित किया और गद्य लेखन में भी निबंध की रचना को विशेष प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इस सुविधा के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकते थे। तो भारतेंदु युग में जितने भी निबंध लेखक हुए हैं वे किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, क्योंकि अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध लिखकर वे अपने विचारों को, बातों को पाठकों तक पहुंचा सकते थे। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंदु युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए, किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग में ही प्राप्त हुआ। यद्यपि निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से शुरू हो गई थी और विभिन्न लेखकों ने अपनी भाषा, अपनी शैली और विषय तीनों स्तर पर नए नए प्रयोगों कर रहे थे, किंतु निबंधों का जो परिष्कृत रूप, परिमार्जित रूप, प्रौढ़ रूप, परिपक्व रूप जो प्राप्त होता है वह द्विवेदी युग में ही प्राप्त होता है। इस दौर में जहां एक ओर भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ, वहीं दूसरी ओर चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कार भी आया। इस दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व रहा, जिन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों को उच्च स्वरूप प्रदान किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को एक परिनिष्ठित, परिमार्जित रूप प्रदान किया, शुद्ध रूप प्रदान किया, और इसी समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों के माध्यम से उसे और प्ररूप प्रदान किया तथा विचार, शैली और भाषा तीनों ही स्तरों पर निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है। हिंदी निबंधों के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वही महत्व है जो उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी निबंधों के विकास में। इसलिए हिंदी निबंधों के जो विकास क्रम है, जो उद्भव और विकास है, उसको हम मुख्य रूप से तीन चरणों में बांटते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व का युग, आचार्य राम उसके बाद द्विवेदी युग और उसके बाद शुक्लोत्तर युग। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व का युग वो कौन सा होता है जिसमें भारतेंदु या द्विवेदी युग आते हैं, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग आता है, उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास को हम चार चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को शुक्ल पूर्व युग भी कहा जाता है, तो कई किताबों में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा। भारतेंदु और युग और द्विवेदी युग को क्या बोलते हैं? शुक्ल पूर्व युग। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के पहले का युग को कहा जाता है शुक्ल पूर्व युग। इसके बाद आता है शुक्ल युग, तीसरा इसके बाद शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का समय काल है 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, किसी में 1975 भी मिलता है। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय होता है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख संपादक जो पहले संपादक थे वे थे चिंतामणि घोष। 1930 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन शुरू किया था। शुक्ल युग इसका समय है 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। इसके बाद शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से आज तक का समय शुक्लोत्तर युग कहलाता है। इन चरणों को प्रवृत्तियों की दृष्टि से कई धाराओं में विभाजित किया जाता है। यहाँ हम इन चारों चरणों का अलग अलग विवेचन करेंगे, मतलब इन चारों जो चरण है इसमें अलग अलग प्रकृति के निबंध लिखे गए। हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत कब हुई और पहला निबंध कब लिखा और किसने लिखा यह बहुत ही स्पष्ट नहीं है। किसी विशेष लेखक को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने हिंदी का पहला निबंध लिखा। आमतौर पर माना जाता है कि निबंध लेखन की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट से हुई, लेकिन मुख्य बात जो जानने की है वह यह है कि हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई है। यद्यपि बालकृष्ण भट्ट के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी का पहला निबंध लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध लेखन की शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। इसके प्रकाशन ने हिंदी में साहित्यिक लेखन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। बाद में स्वयं भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिका की भी शुरुआत की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया। भारतेंदु युग के कई अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख हैं। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। तो उस समय जितने भी निबंधकार थे वे किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। भारतेंदु युग इनका जो समय है 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी, कुछ किताबों में 1875 भी मिलता है। तो इस समय भारतेंदु युग के निबंधों की मूल प्रेरणा, तो इस समय जो विषय वस्तु था वह कौन सा था? अपने समाज के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की चिंता थी। इसलिए इस युग के निबंधकारों ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, अतीत के प्रति गौरव भावना, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश आदि को अपने निबंधों का विषय बनाया है। तो इस समय जो निबंध लिखे गए वह मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति और समाज नैतिक सामाजिक राजनीतिक उत्थान की जो इनके मन में चिंता थी इस पर आधारित हुआ करते थे। यह अवश्य है कि उस समय विदेशी शासन के विरुद्ध जन संघर्ष अभी संगठित नहीं हुआ था, इसलिए लेखकों ने अंग्रेजी सत्ता के प्रति भक्ति का भी प्रदर्शन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास की चिंता और उसके प्रति गहरा लगाव भी बराबर व्यक्त हुआ है। तो भारतेंदु के समय में, भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे जा रहे थे उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी दिखाई देती है, मतलब अंग्रेजी शासन के प्रति भी उनके मन में निष्ठा थी उस समय, क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसने उस समय जोर नहीं पकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र के प्रति विकास की चिंता उनके निबंधों में और राष्ट्र के प्रति लगाव उनके निबंधों में परिलक्षित जरूर होता है। ये मैं बता रहा हूँ कौन कौन से विषय में भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने उक्त विषयों के अतिरिक्त ऐसे विषयों पर भी निबंध लिखे जिनमें उनके जिंदा दिली और विनोद वृत्ति का परिचय मिलता है। तो उस समय राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ऐसे विषयों पर भी निबंध लिखे गए जिनसे पता चला कि जिंदा दिली मतलब खुश मिजाज, जिंदा दिल होना, और विनोद वृत्ति मतलब हंसी मजाक, इसका परिचय मिलता है।
जैसे नाक कान भाव धोखा बुढ़ापा आदि विषयों पर भी निबंध लिखे गए, जबकि छोटे छोटे सामान्य से विषय वस्तु है। भारतीय युग के लेखकों की मूल प्रवृत्ति मनोविनोद की थी, मतलब हंसी मजाक की थी। तो इस समय के जो लेखक हैं, इनकी मूल प्रवृत्ति क्या थी? मनोविनोद, हंसी मजाक की थी। इसलिए वे गंभीर से गंभीर विषय को हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में सजीव बनाकर प्रस्तुत करते थे, हंसी मजाक के रूप में लिखते थे। तो हास्य और व्यंग्य की उस समय प्रधानता थी। उनके निबंधों में गुण विवेचन का प्राय अभाव मिलता है, लेकिन उनमें जीवन के प्रति गहरी अनुरक्ति के दर्शन होते हैं। तो उस समय जो विचार है उसमें गुण विवेचन, मतलब बहुत गहरी छानबीन, बहुत ही विश्लेषण विवेचना करना सामाजिक परिस्थितियों का, राजनीतिक परिस्थितियों का, तो यह गंभीर विषय उस समय नहीं पाए जाते। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में, उनके मन में जीवन के प्रति अनुराग है, प्रेम है, इसका दर्शन होता है। व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण इस दौर के निबंधों में आत्मपरकता भी पर्याप्त मात्रा में, मतलब इस समय जो निबंध लिखे गए उसमें लेखकों का व्यक्तित्व परिलक्षित होता था, उनके अपने स्वयं का, उनका निजी व्यक्तित्व है, निजी अनुभूतियां हैं, उसकी यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती थी। भारतीय युग में हिंदी भाषा का कोई मानक स्वरूप नहीं बना था, कहीं कहीं व्याकरण की शिथिलता भी नजर आती थी। तो उस समय जो हिंदी है, जो खड़ी बोली हिंदी है, तो उसने मानक रूप उस समय ग्रहण नहीं किया था। साथ ही व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से भी इस समय शुद्धता प्राप्त नहीं होती, लेकिन बात को प्रभावशाली ढंग से कहना वे जानते थे। विशेष रूप से भाषा के माध्यम से व्यंग और विनोद उत्पन्न करने में तो वे सिद्धस्त थे। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने से निबंधों की भाषा प्राणवन बन गई है। शब्द भंडार भी व्यापक है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अरबी फारसी उर्दू के शब्दों की बहुतायत है। कुछ निबंध पूर्णतः उर्दू शैली में लिखे गए हैं। तो उस समय जो निबंध लिखे जा रहे थे और व्यंग विनोद के माध्यम से बड़ी बातें कही जा रही थी, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था, और उनके तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा था। अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रचुरता उस समय पाई जाती है, और कुछ निबंधों में तो उर्दू शैली की प्रचुरता देखी गई है। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वे कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह, केशव राम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आदि इस समय के प्रमुख निबंध लेखक हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका समय काल है 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व युगांतरकारी महत्व का सिद्ध हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल बहुत ही कम था, लगभग 35 वर्ष। इसके बावजूद भी ये इनका जो व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनके नाम पर ही भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु ने इतिहास, पुरातत्व, धार्मिक, जीवनी परक तथा साहित्यिक आदि कई विषयों पर निबंध लिखे हैं। विषयों की विविधता उनके विस्तृत अध्ययन और व्यापक जीवनानुभवों का परिणाम था। मतलब बहुत ही ज्यादा वह पढ़ाई करते थे, विभिन्न विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था, और उनके जीवन की जो अनुभूतियां थी, उन्होंने जीवन में जो अनुभव किया था वह भी बहुत ही गहन था, जो उनके निबंधों में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। उनके निबंधों में जहां इतिहास, धर्म, संस्कृति और साहित्य की उनकी गहरी जानकारी का परिचय मिलता है, वहीं देश प्रेम, समाज सुधार की चिंता और अतीत के प्रति गौरव भाव भी प्रकट होता था। तो उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास का उनको गहरा ज्ञान था, गहरा प्रेम था, और देश प्रेम, समाज सुधार की चिंता, अतीत के प्रति गौरवगान, ये सभी भाव उनके निबंधों में दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। भारतवर्ष की उनके प्रमुख निबंध हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेवी प्राण लेवी और जाति संगीत, इनमें राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवे पैगंबर, कानून ताजिरात, शौहर जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग विनोद की क्षमता का भी पता चलता है। तो यह उनके कुछ प्रमुख निबंध हैं जो विभिन्न विषयों में विषयों पर लिखे गए हैं। भारतेंदु के निबंधों की भाषा के कई रूप हैं, उर्दू निष्ठ, संस्कृत निष्ठ और बोलचाल के हिंदी। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को उर्दू, अरबी, फारसी का भी ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, और बोलचाल की हिंदी का भी गहरा ज्ञान था। तो इसमें उनकी भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। दूसरे निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इस युग के एक अत्यंत प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, सर्वाधिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप निकाला, यह पत्रिका उन्होंने निकाला, 32 वर्षों तक इसका संपादन किया। उन्होंने समाज, साहित्य, धर्म, संस्कृति, रीति प्रथा, भाव, कल्पना, सभी क्षेत्रों के विषयों का चयन किया है, इन क्षेत्रों से संबंधित निबंध उन्होंने लिखा है।
हास्य और विनोद, हास्य और व्यंग या फिर हंसी मजाक तो प्रायः उस युग के सभी निबंधकारों की विशेषता थी, लेकिन भट्ट जी के निबंधों में कल्पना, भावना और वैचारिकता का भी स्पर्श मिलता है। तो हास्य व्यंग के साथ साथ उनके जो निबंध है उनमें कल्पना भी दिखाई देती है, भावना भी दिखाई देता है, और वैचारिकता मतलब गहन विचार भी पाए जाते हैं। उनकी भाषा प्राय बोलचाल के नजदीक है। उनमें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है। इससे कहीं कहीं भाषा बोझिल हो गई, क्योंकि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी जो भाषा कभी कभी जटिल और बोझिल प्रतीत होती है, रुचिकर प्रतीत नहीं होती है। उनके जो प्रमुख निबंध हैं वे हैं चारू चरित्र, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। चरित्र पालन, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, ये विचारात्मक निबंध है जिनमें गहन विचार देखे जाते हैं, विचारों का विश्लेषण होता है। आंसू, मुग्ध माधुरी, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर हैं, कल्पना आदि भावनात्मक निबंध है। शंकराचार्य और गुरु नानक देव जैसे वर्णनात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं। आंख, नाक, कान जैसे सामान्य विषयों तथा इंग्लिश पढ़े सब बाबू हुए, दंभाख्यान, अकिल अजीर्ण रोग जैसे व्यंग विनोद परक निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। ये हास्य व्यंग से संबंधित निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इनका समय काल 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र में तीखे व्यंग और गहरे विनोद की प्रवृत्ति थी, बहुत ही गहरा और तीखा व्यंग्य लिखते थे, जिसका उल्लेख स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। मतलब ये व्यंग्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में इनका उल्लेख किया है। इनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा काफी है, मतलब चुटिली भाषा का प्रयोग करते हैं, व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं अपने व्यंग में। मिश्र जी ने एक और भाव और बुढ़ापा, होली, धोखा, मरे को मारे, शाह मदार जैसे विनोद और व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने शय, मूर्ति, विश्वास, नास्तिक जैसे गंभीर विवेचन परक निबंध भी लिखे हैं। तो विवेचन परक मतलब जिसमें विचारों की गहनता है, बहुत ही गंभीर विचार व्यक्त किया गया है इन निबंधों में। इसके बाद आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका समय काल 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी। भारतेंदु युग के अत्यंत प्रतिभावान निबंधकार हैं, इनके चर्चा भी बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने द्विवेदी युग में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन किया था। इनके निबंधों में भी गहरा चिंतन, तीखा व्यंग और मीठी हंसी का समावेश मिलता है। तो हास्य व्यंग प्राय इस समय के सभी निबंध लेखकों में पाया जाता है। इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लेख है, जो निबंध है, वह है शीर शंभु का चिट्ठा। यह लॉर्ड कर्जन को संबोधित है और यह प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। शीर शंभु का चिट्ठा जो लॉर्ड कर्जन को संबंधित है, यह बहुत ही संबोधित है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखा था, शिव शंभु का चिट्ठा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम से लिखे गए निबंध उनकी देशभक्ति की भावना के द्योतक तो हैं, व्यंग्य और गहरी विचारशीलता के भी परिचायक हैं। तो इसे प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि उन्होंने किसको संबोधित करते हुए लिखा है, या फिर शिव शंभु का चिट्ठा किसने लिखा है। इसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी। सन निबंधों के उत्थान का दूसरा दौर हमें द्विवेदी युग में दिखाई देता है। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, और इसके पहले जो संपादक थे वे थे चिंतामणि घोष। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादन का दायित्व संभाला, और वे 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका संपादन करते रहे। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को प्रौढ़ता और नवीनता प्रदान की। तो आज जो हम हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का जो विशिष्ट रूप आज हम देखते हैं, परिमार्जित और परिनिष्ठित जो रूप हम देखते हैं, उसका सारा श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को और उनकी सरस्वती पत्रिका को। उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं के साथ साथ निबंध लेखन को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने न केवल कविता, कहानी, लेख, उपन्यास इत्यादि को प्रोत्साहित किया, बल्कि निबंध लेखन को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया है। और उन्होंने स्वयं ही निबंध लिखकर उच्च कोटि के निबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती में अनेक प्रकार के उपयोगी ज्ञान विषयक, ऐतिहासिक, पुरातत्व तथा समीक्षा संबंधी निबंध और लेख लिखे। उन्होंने गद्य की अनेक शैलियों का प्रवर्तन किया, शुरुआत किया तथा भाषा का संस्कार किया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो भूमिका है हिंदी की प्रगति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। अंग्रेजी के निबंधकार जो बेकन है, बेकन नाम के बहुत बड़े राइटर हुए हैं अंग्रेजी में, इनके जो निबंध है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनके निबंधों का अनुवाद भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रस्तुत किया। इसे भी प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है।
इसको पढ़कर हिंदी के अन्य अनेक निबंध लेखकों को भी निबंध लिखने की प्रेरणा मिली, ऐसा कहना है हिंदी साहित्य कोश के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। इस युग के निबंध पत्र पत्रिकाओं में अधिक प्रकाशित हुए हैं। इनमें नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। समालोचक 1902 ईस्वी, इंदु 1909 ईस्वी, मर्यादा 1910 ईस्वी और प्रभा 1913 ईस्वी आदि प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनमें निबंधों का प्रकाशन होता था। इस युग में राष्ट्रीय चेतना और अधिक परिपक्व हो चुकी थी। राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है यहाँ परिपक्वता प्राप्त कर लेती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। राष्ट्रीय जागृति, विश्व बंधुता जिसको ग्लोबलाइजेशन या फिर हम कहते हैं विश्व बंधुता, दुनिया के सभी लोग भाई बंधु हैं, सामाजिक एकता, अतीत गौरव तथा सांस्कृतिक नवजागरण की भावना को इस युग की प्रमुख पहचान कहा जाएगा। तो प्रमुख विषय कौन से थे? राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्र के संबंध में जागृति, दुनिया के सभी लोगों को अपना भाई बंधु समझना, समाज में एकता, अतीत गौरव मतलब हमारे अतीत कितना समृद्ध, हमारी ऐतिहासिक विरासत कितनी समृद्ध थी उस पर गौरव की अनुभूति करना और सांस्कृतिक नवजागरण की भावना। इस युग में द्विवेदी जी ने भाषा के परिष्कार का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वह खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत रूप प्रदान करने में है, हिंदी को परिपक्व रूप प्रदान करने में है। वे न तो अत्यधिक संस्कृत निष्ठता के पक्ष में थे और न ही अरबी फारसी के शब्दों से लदी भाषा के पक्ष में। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि हिंदी में न तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ के भी वे विरोधी थे, किसी पर संस्कृत के प्रति हमारा बहुत ज्यादा रुझान होना चाहिए, संस्कृत से शब्दों का ग्रहण करना चाहिए, तत्सम शब्दों को ही ग्रहण किया जाना चाहिए और न ही उर्दू और फारसी के शब्दों को, अरबी या फारसी के शब्दों को बहुत ज्यादा स्थान दिया जाना चाहिए, मतलब दोनों में पूरी तरह से संतुलन होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए। हिंदी गद्य ने अपना स्वाभाविक और परिनिष्ठित रूप इसी युग में प्राप्त किया। तो हिंदी गद्य ने अपना स्वाभाविक रूप जो हम आज लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं और परिनिष्ठित रूप मतलब बिल्कुल सुधरा हुआ रूप, परिष्कृत रूप जो आज हम लिखते बोलते पढ़ते हैं इस युग में प्राप्त किया। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वे कौन कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्रा आदि प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी द्विवेदी युग में लेखन करते रहे हैं निबंधों का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्यतः विचार प्रधान निबंध लिखे हैं जिनमें विचारों की प्रधानता है, गहनता है, लेकिन उनमें गहरे विश्लेषण और तात्विक चिंतन का अभाव है। विचार प्रधान निबंध इन्होंने जरूर लिखे हैं, इनको बहुत ज्यादा छानबीन या गहन विश्लेषण जांच परख उन्होंने नहीं किया है, कोई तात्विक या गहन चिंतन उसमें दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है सरदार पूर्ण सिंह, ने सिर्फ 6 निबंध इन्होंने लिखे। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित है। मानवतावादी दृष्टि इनके प्रमुख विशेषता है। मानवतावादी दृष्टि मतलब जो आम जनजीवन है, जो समाज के सामान्य लोग हैं, मानव हैं, उनकी उनके निबंधों में उनका व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। इनके निबंध में जो प्रमुख निबंध है जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो अपने उसने कहा था कहानी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं और इन्होंने इतिहास, संस्कृति, साहित्य और भाषा के ये प्रकांड पंडित थे। इन्होंने इन्हीं विषयों पर अत्यंत गवेषणापूर्ण मतलब बहुत ही खोज और गहन छानबीन के आधार पर गंभीर लेखन किया, लेकिन इनकी शैली क्या है, सरल और सरस है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। इनके निबंधों में मार्मिक व्यंग भी व्यक्त हुआ है, दिल को छू लेने वाला व्यंग भी इन्होंने लिखा है। इस दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी निबंध लेखन में सक्रिय थे, इन्होंने निबंधों की रचना की। उनके आरंभिक निबंधों में वे सभी विशेषताएं बीज रूप में मिल जाती है, मतलब शुरुआती रूप यहाँ पर पाया जाता है उनके निबंधों की, जिनके कारण बाद में उनकी विशिष्ट पहचान बनी। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों के कारण इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके उनके नाम के आधार पर भी शुक्ल पूर्व हिंदी निबंध और शुक्ल युगीन हिंदी निबंध और शुक्लोत्तर हिंदी निबंध, इस तरह हम कैटेगराइज करते हैं हिंदी निबंध के उद्भव और विकास क्रम को। शुक्ल जी ने भी विविध विषयों पर निबंध लिखे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति गंभीर, विवेचन और तीखे व्यंग की रही। यही कारण है कि निबंधों में उनका चिंतक और मानवतावादी रूप उभरा है। तो अपने समय के बहुत ही जीनियस राइटर लेखक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मापदंड माना जाता है, और उनके निबंधों में गंभीर प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है और उनकी जो लिखने की जो प्रवृत्ति है वह व्यंग्यात्मक तरीके से वो लिखते हैं। इस प्रकार उनके निबंधों में उनका जो चिंतक व्यक्तित्व है और मानवतावादी जो दृष्टिकोण है
जो आम लोगों के बारे में जो सोचने की दृष्टिकोण है वह उभर कर सामने आती है, क्योंकि उनका हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं का के वे प्रकांड पंडित थे। शुक्ल जी ने विषय, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंधों की उत्कृष्टता प्रदान की। उन्होंने नए नए विषयों पर निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया लेखकों को। उनकी भाषा भी बहुत ही परिमार्जित परिनिष्ठित खड़ी बोली थी और उनकी शैली भी हटकर थी, तो इन्होंने निबंध को उत्कृष्टता प्रदान की। निसंदेह उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। द्विवेदी युग के बाद के निबंधों का विकास उन्हीं के व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आज हम हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कह सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्ल युग, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग है। 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक का इसका समय क्रम है। द्विवेदी युग में गद्य भाषा के परिष्कार और संस्कार का कार्य संपन्न हो गया था। खड़ी बोली हिंदी परिनिश्चित और परिमार्जित और परिपक्व रूप प्राप्त कर चुकी थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में, द्विवेदी युग में। इसके बाद गद्य की भाषा में सृजनात्मक प्रयोग का कार्य आरंभ हुआ। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिमार्जित कर दिया था, परिपक्व रूप प्रदान कर दिया था। अब वह हिंदी तैयार थी कि उसका सृजनात्मक प्रयोग प्रारंभ किया जा सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था, इन्होंने गद्य की भाषा को निखारने में और जटिल से जटिल विषय, विचार और भाव को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने का उल्लेखनीय कार्य किया। तो इसके आगे की जिम्मेदारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी कि वे खड़ी बोली हिंदी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। यह वह दौर था जब कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद और काव्य के क्षेत्र में प्रसाद, निराला और पंत जैसे छायावादी कवि सक्रिय थे। यही वह दौर था जिसमें मुंशी प्रेमचंद बहुत ही बेहतरीन कहानियां और बहुत ही बेहतरीन उपन्यास लिख रहे थे, और इस समय प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे छायावादी कवि भी सक्रिय लेखन में सक्रिय थे। कथा और काव्य तीनों क्षेत्र, कथा और काव्य दोनों क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था उसका प्रभाव भी निबंध लेखन पर पड़ा। स्वयं छायावादी कवियों और प्रेमचंद ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। छायावादी कवियों की गद्य भाषा में सरलता, भाव प्रवणता, कल्पनाशीलता आदि गुण दिखाई देते हैं। तो छायावादी कवियों की केवल कविता में ही नहीं बल्कि उनके निबंधों में भी भावों की गहराई, भाव प्रवणता बहुत ही इमोशनल और सरसता, पढ़ने में बहुत ही मधुर और कल्पनाशीलता आदि के गुण दिखाई देते हैं। तो छायावादी कवि भी उस समय निबंध लिख रहे थे, मुंशी प्रेमचंद भी निबंध लिख रहे थे। और प्रेमचंद जी के गद्य लेखन में वैचारिक स्पष्टता, तो उनको यथार्थ आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहा जाता है इनके लेखन को। तो इसमें विचारों की स्पष्टता है, तार्किकता है, लॉजिकली वे लिखते थे, सरलता है और सहजता के गुण विद्यमान है। इस युग की गद्य भाषा में इन दोनों तरह के लेखन का असर पड़ा। शुक्ल जी के निबंधों में गंभीर वैचारिक बोध, स्पष्ट चिंतन, सिद्धांत और व्यवहार की पूर्ण एकता तथा संवेदनशील हृदय के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा उनके मंतव्य को पूरी तरह संप्रेषित करने में सक्षम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया था, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। तो उनके विचार बहुत ही गहन है, बहुत ही सूक्ष्म है, उनका चिंतन पूरी तरह स्पष्ट है, उनका सिद्धांत पूरी तरह व्यवहारिक है। पश्चिमी साहित्य शास्त्र का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ वे बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही भावुक है। इसमें उनके संवेदनशील जो हृदय है उसके दर्शन हमको होते हैं, और उनकी जो भाषा है उनके विचारों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है। इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। इनका समय काल है 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी। शुक्ल जी ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं जो चिंतामणि के तीन भागों में संकलित है। चिंतामणि नाम की इन्होंने किताब लिखी थी जो निबंधों का संकलन है, यह तीन भागों में है। उन्होंने भय, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, घृणा आदि विभिन्न मनोभावों पर 10 निबंध लिखे, जिनमें उन्होंने इन मनोभावों के सामाजिक पक्ष का विश्लेषण किया है। तो हमारे मन की जो भावनाएं होती है, जो इमोशनल इम्पल्सेस होते हैं, जैसे भय है, क्रोध है, श्रद्धा है, भक्ति के जो भाव होते हैं, घृणा इत्यादि, इस पर इन्होंने 10 निबंध लिखे हैं जिन्हें आज भी बहुत ही श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा से हम परिचित हो पाते हैं इन निबंधों को पढ़कर। इसमें इन्होंने इन मनोभावों के सामाजिक पक्ष का विश्लेषण किया है, मनोवैज्ञानिक रूप से इन्होंने लिखा ही है, और इसके सामाजिक पक्ष का भी इन्होंने विश्लेषण और विवेचन किया है। शुक्ल जी ने साहित्य के गंभीर पक्षों पर भी लिखा है। उनके ऐसे निबंधों में गंभीर चिंतन, सैद्धांतिक विवेचना और तर्कपूर्ण व्याख्या तो मिलती ही है, उनके भावुक हृदय के दर्शन भी होते हैं। तो उनके निबंधों में न केवल विचारों की गहराई है बल्कि अनुभूति की गहनता भी विद्यमान है,
और उन्होंने अपने विचारों को बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से तार्किक विवेचन के साथ उन्होंने अभिव्यक्त तो किया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें उनके भावुक हृदय कि वो कितने इमोशनल थे, कितने भावुक थे, कितने संवेदनशील थे, इसका परिचय भी हमें प्राप्त होता है। इस युग के निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा। मानवीय दृष्टिकोण मतलब आम जनजीवन के प्रति उनका जो लगाव था, जो आम जनता के प्रति जो लगाव था, जो मानवीय दृष्टिकोण था समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति, गरीब और दीन दुखियों के प्रति, तो इन्होंने बहुत ही भावुक तरीके से इन्होंने निबंध लिखा है। इसके साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना तो प्रबल थी। हम यह विशेषता शुक्ल जी के निबंध में भी पाई जाती है। शुक्ल युग के निबंधकार, प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांस्कृतायन, रामनाथ सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि समय के प्रमुख निबंधकार हैं। शुक्ल जी के बाद हिंदी निबंधों का विकास बहुत तेजी से हुआ। निबंध लेखन की कई ऐसी धाराएं विकसित हुई जिन्होंने अपनी अलग पहचान कायम की, जैसे ललित निबंध और व्यंग निबंध। अब आगे हम शुक्लोत्तर युग में निबंधों के विकास पर विचार करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद विभिन्न धाराएं आई जिन्हें हम व्यंग्यात्मक निबंध, ललित निबंध इत्यादि कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग कहा जाता है 1940 ईस्वी से आज तक का जो दौर है। शुक्ल युग के बाद के दौर में निबंध लेखन की कई शैलियों ने अपनी अलग परंपराएं कायम की। इस युग में दो प्रमुख शैलियों ने निबंध लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया, ललित निबंध और व्यंग निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो निबंध लेखन की जो दो प्रमुख धाराएं हैं वह है व्यंग निबंध और ललित निबंध। ललित निबंध से तात्पर्य बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सरल, सहज और लालित्यपूर्ण भाषा में, मनोरंजक भाषा में, रुचिकर भाषा में लिखना, निबंध लिखना। और व्यंग तो आप जानते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में कोई निबंध लिखना। तो इस दौर में निबंधों के विकास के कुछ प्रमुख शैलियों के अंतर्गत विचार करेंगे। तो दो तो प्रमुख शैलियां थी, उसके बाद मुख्य रूप से तीन प्रकार की शैलियां थी इस समय। वैचारिक निबंध जिसमें विचारों की गहनता पाई जाती थी, इसके बाद ललित निबंध जो लालित्यपूर्ण ढंग से बहुत ही सहज सरल मधुर भाषा में जो लिखा गया निबंध है ललित निबंध, इसमें लेखक बहुत ही भावुक तरीके से, संवेदनशील तरीके से और उस तरह तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए निबंध लिखता है, इसे कहते हैं ललित निबंध। और व्यंग निबंध जिसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंधों में वैयक्तिक स्पर्श का प्राय अभाव रहा है। द्विवेदी युग और शुक्ल युग में जो निबंध लिखा गया उसमें जो लेखक की इंडिविजुअलिटी थी, लेखक का जो व्यक्तित्व था, वह प्राय छुपा हुआ रहता था। लेकिन छायावादी कवियों द्वारा लिखे गए गद्य में अवश्य व्यक्तिकता और तरलता का स्पर्श था, लेकिन इस पूरे दौर में भारतेंदु युग के लेखकों की भांति आत्मपरकता और जिंदा दिली का प्राय अभाव ही रहा। भारतेंदु युग में लेखकों का व्यक्तित्व परिलक्षित होता था, बहुत ही खुशमिजाज तरीके से वो लिखते थे, लेकिन छायावादी कवियों के द्वारा जो लिखा गया उसमें निश्चित रूप से कुछ इंडिविजुअलिटी, उनका जो व्यक्तित्व है दिखाई देता था और तरलता का स्पर्श था, बहुत ही सहज सरल मधुर भाषा में वो लिखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस दौर में लेखकों का व्यक्तित्व उनके निबंध पर बहुत ज्यादा हावी नहीं रहा। शुक्ल युग के बाद के दौर में एक बार फिर वैयक्तिकता का समावेश हुआ, तो शुक्लोत्तर युग में फिर से लेखकों का व्यक्तित्व उनके निबंधों के माध्यम से परिलक्षित होने लगा, दिखाई देने लगा। इस वैयक्तिकता का या इंडिविजुअलिटी में भावुकता नहीं थी, केवल उन्होंने अपने इमोशन को ही व्यक्त नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत भाव और विचार का संतुलित रूप व्यक्त हुआ। मतलब उनके भाव और विचार, इमोशन एंड आइडिया या इमोशन एंड कंटेंट, इन दोनों में एक सामंजस्य दिखाई देता है, हार्मनी दिखाई देती है। इस दौर के कई निबंधकारों ने शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गहन विश्लेषणात्मक निबंध भी लिखे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों में विचारों की गहनता पाई जाती है, उनके चिंतन की गहनता पाई जाती है, वे बहुत ही गहन विश्लेषण और छानबीन के पश्चात निबंध लिखने में सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार के भाव बाद में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो शुक्लोत्तर निबंध है उसमें दिखाई देता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का महत्वपूर्ण गुण था सामाजिक समस्याओं के प्रति सजगता और व्यंग विनोद। भारतेंदु युग के समय में जो निबंध लिखे जा रहे थे उसमें उनके सामाजिक सरोकार बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सामाजिक समस्याओं के बारे में बहुत गहनता से लिख रहे थे और उन व्यंग विनोद, व्यंग और हंसी मजाक उसमें दिखाई देता था, उसके आधार पर वे लिखते थे। तो वैचारिक निबंध जो है शुक्लोत्तर युग में जो वैचारिक निबंध लिखे गए वो कौन से हैं? शुक्ल जी के बाद भी हिंदी में वैचारिक निबंधों की परंपरा यथावत कायम रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी निबंधों में विचारों की गहनता और गहन विश्लेषण पाया जाता रहा है।
इस दौर के वैचारिक निबंध में वैचारिक स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता, तर्कपूर्ण चिंतन, अपने चिंतन को, अपने विचारों को गहन तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना, इसके साथ विचारधारात्मक आग्रह भी व्यक्त हुए। विचारधारा विभिन्न प्रकार के जो विचारधारा है, जैसे मार्क्सवाद है या शैववाद है या फिर और विभिन्न प्रकार के जो वाद है, छायावाद है, इनके प्रति आग्रह भी व्यक्त हुए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र आदि के निबंधों से उनकी वैचारिक दृष्टि का भी परिचय मिलता है। तो इनके निबंधों में इनका जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, इनका जो चिंतन है, इनकी जो वैचारिक दृष्टि है, यह सब यहाँ पर दिखाई देती है, इनका परिचय मिलता है। इन निबंधकारों ने समसामयिक विषयों पर अत्यंत प्रभावशाली निबंध लिखे हैं। कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट होते हैं, समसामयिक विषय होते हैं, उनके संबंध में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन निबंध लिखे हैं। प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार ने सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक चिंतन को अपनी विशिष्ट शैली में विश्लेषणात्मक निबंधों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने जो सांस्कृतिक वातावरण था, जो नैतिक वातावरण था, जो राजनीतिक चिंतन था, इसका गहन विश्लेषण करते हुए, विवेचन करते हुए इन्होंने निबंधों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहीं कहीं प्रश्नोत्तर शैली, मतलब प्रश्न और उत्तर, और कहीं कहीं पर साक्षात्कार की पद्धति भी अपनाई, मतलब दो लोगों का साक्षात्कार या जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, इनकी शैली भी इन्होंने अपनाई। उनकी शैली की यह सीमा भी है कि वो रोचक होते हुए भी कहीं कहीं जटिल और उलझाव से युक्त हो जाती है। उनके निबंध समय और हम पुस्तक में संकलित हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कभी कभी उनका जो लेखन है वह बहुत ही जटिल हो जाता है और उलझ जाता है, मतलब पाठक उसका समझ नहीं पाता। उनके निबंध समय और हम पुस्तक में संकलित है। डॉक्टर संपूर्णानंद नाम के एक राइटर हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, इनके निबंधों में दार्शनिक विवेचन है, लेकिन इसमें जटिलता नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत ही जाने माने आलोचक है और लेखक है, इनके निबंधों में प्रेमचंद और शुक्ल जी दोनों की विशेषताएं मौजूद है। आचार्य प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक थे, और शुक्ल जी के मन में क्या लोक मंगल की अवधारणा थी, मानवतावादी जो लेखक थे, इन दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं किसमें, डॉक्टर रामविलास शर्मा में। विश्लेषणात्मकता के साथ साथ भाषा की सरलता और सहजता उनके विशेष गुण है। उन्होंने गहन चिंतन और विश्लेषण तो किया, इसके बावजूद भी उनकी भाषा सहज है, सरल है और हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाली है। वे अपनी बात पूरी दृढ़ता से, पूरी कॉन्फिडेंस से और दो टूक ढंग से कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसलिए उनकी बातों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। मतलब घुमा फिराकर किसी बात को कहना या लिखना इनके स्वभाव में नहीं है। उनके यहाँ तीक्ष्ण व्यंग भी है जो उनकी शैली को रोचक बनाता है। हालांकि उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से भी लिखा है और यही उनकी शैली हमको बहुत ही रोचक लगती है। उन्होंने ज्यादातर साहित्यिक विषयों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। मुख्य रूप से आलोचक हैं और ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। इन्होंने आलोचनात्मक निबंध तो लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ निबंध राजनीतिक सामाजिक विषयों पर भी लिखे हैं, और ऐसे निबंध इनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध जो कृति है विराम चिन्ह, इसमें संकलित है। मतलब राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर इन्होंने जो निबंध लिखा है, यह इनकी किताब विराम चिन्ह में संकलित है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी मुख्यतः साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं, कुछ यात्रा संबंधी निबंध भी हैं। डॉक्टर नगेंद्र सुलझे हुए विचारक और गहन विश्लेषक हैं, मतलब किसी भी विषय की गहराई में चले जाते हैं, गहन छानबीन करते हैं, उसके पश्चात भी लिखते हैं, बहुत ही गंभीर विचारक हैं। उनमें उलझन कहीं नहीं है, विचारों का उलझन नहीं है। अपनी सूझबूझ तथा पकड़ के कारण वे गहराई में बैठकर केवल विश्लेषण ही नहीं करते, बल्कि नई उद्भावनाओं से अपने विवेचन को विचारोत्तेजक भी बनाते जाते हैं। मतलब पहले से कुछ विचार हैं, कुछ दृष्टिकोण हैं जो समाज में प्रचलित हैं, उनका गहन विवेचन और विश्लेषण करके उसे नया रूप प्रदान करते हैं और हमारे विचारों को उत्तेजित करते हैं कि हम उस विषय के बारे में और भी गहराई से सोचें और विचार करें। तो हिंदी साहित्य कोश में ऐसा लिखा हुआ है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, आस्था के चरण आदि डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों के संकलन है। इसके बाद दूसरा है ललित निबंध। ललित निबंध किस प्रकार के निबंध को कहा जाता है? ललित निबंध में लालित्य अर्थात शैली के उत्कर्ष पर विशेष बल होता है। मतलब इसमें शैली की उत्कृष्टता पर ज्यादा बल दिया जाता है कि किस शैली में यह लिखा जाए कि पाठक को पढ़ने पर बहुत ही आनंद प्राप्त हो। निबंधकार अपने विचारों और भावों को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जो सरस हो, पढ़ने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो, अनुभूति जन्य हो, जिसको लेखक ने स्वयं ही अनुभूत किया है, जिसे लेखक ने स्वयं अनुभव किया है या दूसरों का अनुभव है, और आत्मीय और रोचक लगे,
आत्मीय लगे, जैसे हमारे किसी करीब के व्यक्ति ने हमारे मनोभावों को व्यक्त कर दिया है, और रोचक भी लगे, जिसमें भाषा शुष्क ना हो बल्कि कल्पनाशीलता, सरलता और सहजता उसको उसका गुण हो। तो ललित निबंध की जो शैली होती है वो बहुत, उसमें भाषा बहुत ही सहज और सरल होती है, कल्पनाशीलता का प्रयोग उसमें किया जाता है, और विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि पढ़ने वाले को बहुत ही आत्मीय लगता है, पाठक को आनंद प्राप्त होता है। ललित निबंधकार गहरे विश्लेषण, उबाऊ वर्णन और जटिल वाक्य रचना से बचता है। मतलब ललित निबंध को पढ़ने में हमको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, कोई भी साधारण सा पाठक पढ़कर उसे समझ सकता है। वो अपने व्यक्तित्व का परिचय भी कदम कदम पर देता चलता है। मतलब ललित निबंध पढ़ने पर हमको पता चलता है कि लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उसके निबंधों में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। वस्तुतः उसकी शैली उसके रचनाकार के व्यक्तित्व का आईना होती है, लेकिन वह आत्म स्थापना का प्रयास भी नहीं करता। तो वह पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को ही परिलक्षित करने का या दिखाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसका शैली ही उसके व्यक्तित्व का आईना हो जाता है। उसके शैली को पढ़कर हमको पता चल जाता है कि यह किस निबंध लेखक का निबंध हो सकता है। ललित निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत मुख्य स्थान है। उनके निबंधों में मानवतावादी जीवन दर्शन, मानवतावादी जीवन दर्शन मतलब समाज के जो लोग हैं, जो मानव हैं, उनका उत्थान कैसे होगा, उनकी कष्ट क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनके मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, इनको अभिव्यक्ति प्रदान करना और इनका जो संवेदनशील हृदय है, लोगों की भावनाओं को समझना, बहुत ही भावुक होना, इसके दर्शन होते हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। उन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य के साथ साथ पाली, अपभ्रंश और बंगला आदि भाषाओं के साहित्य और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया था। तो सर्वाधिक, लेकिन उनकी दृष्टि आधुनिक थी। यद्यपि उन्होंने उसमें जितने भी साहित्य उपलब्ध थे अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, बंगला में, इनका गहन अध्ययन तो इन्होंने किया था। मध्यकालीन हिंदी साहित्य का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका दृष्टिकोण है वह अत्याधुनिक दृष्टिकोण है। इसलिए उनके निबंध में पांडित्य के साथ साथ नवीन चिंतन के भी दर्शन होते हैं। तो उनके निबंधों को पढ़कर हमें पता चल जाता है कि वे कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका जो दृष्टिकोण था पूरी तरह से आधुनिक है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में विचारों को शुष्क रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि जीवनानुभव मतलब जीवन का जो अनुभव है को और गहन ज्ञान के आलोक में उसे नया रूप प्रदान किया है। मतलब उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज का जो डेप्थ है, ज्ञान की जो गहराई है, उसके आधार पर उन्होंने जीवन के अनुभव को कभी शुष्क रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि बहुत ही सरल और सहज भाषा में, संप्रेषणीय भाषा में उसको लिखा है और उसे नया रूप प्रदान किया है। आलोक मतलब होता है प्रकाश। उनके निबंधों की भाषा में लचीलापन अधिक है, मतलब ये रिजिड नहीं है अपनी भाषा को लेकर कि मुझे इसी प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करना है, बल्कि उन्होंने संप्रेषण पर ज्यादा जोर दिया है, कम्युनिकेशन पर ज्यादा जोर दिया है। वे देशज मतलब देशी शब्दों के साथ साथ संस्कृत के प्रचलित और अप्रचलित शब्दों का भी सामंजस्य बैठा लेते हैं, और भाषा का यह रूप कहीं खटकता भी नहीं है। तो उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भले प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने भाषा को इस तरह से प्रयोग में लाया है कि वह हमको कभी भी खटकता नहीं है। उनका वाक्य विन्यास भी ललित एवं भावपूर्ण गद्य के अनुकूल है, मतलब बहुत ही इमोशनल तरीके से उन्होंने लिखा है, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान किया है बहुत ही शानदार तरीके से। और उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ कुछ अन्य ललित निबंधकार हैं, जिनमें प्रमुख हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेक राय आदि प्रमुख ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र तो संस्कृत भाषा और साहित्य के बहुत ही प्रकांड विद्वान है, किंतु उनकी उतनी ही गहरी पैठ, उनका उतना ही कमांड लोक साहित्य और लोक संस्कृति में भी है, जिसके कारण उनके निबंधों में पांडित्य के साथ साथ लोक जीवन का भी आनंद मिलता है। तो पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध को जब हम पढ़ते हैं, तब हमको पढ़कर पता चलता है कि वे कितने बड़े विद्वान हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया है, लेकिन लोक साहित्य और लोक संस्कृति का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है, और इसका भी पढ़ने पर हमको उसका आनंद प्राप्त होता है। उनकी शैली भावपूर्ण और काव्यमय है, तथा भाषा भी वैसी ही काव्यमय और सरल है। तो उन्होंने भले ही गद्य के रूप में निबंध लिखा है, लेकिन उसको पढ़कर हमें कविता जैसी अनुभूति होती है, कविता जैसे आनंद प्राप्त होता है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से, संचारड़ी लगौ रंगहरी आदि। इसके बाद जो व्यंग निबंध है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हिंदी में व्यंग निबंधों की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई थी, क्योंकि उस समय व्यंग्यात्मक और हास्य विनोद से संबंधित
व्यंग लिखे जा रहे थे। तो भारतेंदु युग में इसकी शुरुआत हो गई थी। उस दौर में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तथा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि ने कई व्यंग्यात्मक निबंध लिखे थे, लेकिन बाद में निबंध व्यंग्यात्मक निबंध लिखने की परंपरा बाद में शिथिल हो गई थी, कम हो गई थी। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि के निबंधों में व्यंग्य और विनोद का पुट भी बना रहा, लेकिन पूरी तरह से व्यंग्यात्मक निबंध लिखने की जो परंपरा थी भारतेंदु युग के बाद दिखाई हमको नहीं देती है। लेकिन शुक्लोत्तर युग में फिर से व्यंग्यात्मक निबंध लिखे जाने लगे। भारत में जब हमारा देश आजाद हो गया तब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में व्यंग्य निबंध के एक नए युग की शुरुआत हुई और इसका श्रेय जाता है हरिशंकर परसाई जी को, जिन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो व्यंग्य लेखन को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने प्राप्त किया इनके निबंधों ने, और इसका श्रेय जाता है हरिशंकर परसाई को। व्यंग्य निबंध में निबंधकार क्या करता है, समाज की किसी समस्या को अपने निबंध का विषय बनाता है। उसका कंटेंट रहता है समाज में प्रचलित कोई परंपरा या ढोंगे आडंबर, लेकिन वह उसका ना तो वैचारिक दृष्टि से विवेचन करता है और ना ही उसका भावात्मक वर्णन करता है। वह समस्या की गहराई में जाकर उसके अंतर्विरोधी पहलुओं को उद्घाटित करता है जो सामान्यतः हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं। तो जो व्यंग के जो लेखक हैं, व्यंग निबंध के लेखक, हमको कोई उसका समाधान प्रदान नहीं करते, सिर्फ ये बताते हैं, उस पर सिर्फ अपनी टिप्पणी करते हैं कि देखो इस तरह की परिस्थितियां हमारे समाज में विद्यमान है। उन अंतर्विरोधों को वह ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है कि उससे नए अर्थ की व्यंजना हो। इसके लिए रचनाकार एक विशेष तरह की भाषा शैली अपनाता है। वह ऐसे शब्दों का चयन करता है जिससे व्यंग्य को ध्वनित करने वाला अर्थ निकले। तो जो व्यंग्यात्मक निबंध में क्या करता है लेखक, समाज में जो पाई जाने वाली समस्याएं हैं उनमें जो अंतर्विरोध है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब जो परिस्थितियां हैं, उस पर व्यंग्य तो करता है और उस व्यंग्य के लिए वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि हमको पढ़कर पता चल जाता है कि वास्तव में जो निबंधकार है या लेखक है वह क्या कहना चाहता है। तो व्यंग निबंधकारों में प्राय व्यंग निबंधकार प्राय समसामयिक विषयों पर लिखता है, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, जो समाज में जो उसमें प्रचलित है, जो भी आडंबर है, जो भी समस्याएं हैं, उन पर वह लिखता है और उन्हें अपने व्यंग्य का लक्ष्य भी बनाता है। व्यंग्य से पाठक को एक नई दृष्टि मिलती है सोचने की और सामाजिक जागरूकता भी पैदा होती है। जैसे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम सामाजिक जागरूकता पैदा करते हैं, वैसा ही असर हमारे व्यंग लेखकों का होता है। रूढ़िवाद, अंधविश्वास आदि पर लिखे गए निबंधों से पाठकों को सामाजिक सोदेश्यता का संदेश भी मिलता है। मतलब रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर जो निबंध लिखे जाते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध लिखे जाते हैं, उससे पाठकों का यह पता चलता है कि लेखक का एक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, और इससे हमको एक संदेश भी प्राप्त होता है ताकि हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सफल हो सके। व्यंग्य की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि आज कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यंग्य का एक स्थायी स्तंभ रहता है। तो व्यंग्य हिंदी गद्य की अत्यंत लोकप्रिय विधा है, इसीलिए कई समाचार पत्र हैं, चाहे हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के हों, और पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य का एक स्थायी कालम होता है, स्थायी स्तंभ होता है, जिसमें नियमित रूप से व्यंग्यात्मक लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हिंदी के जो प्रमुख व्यंग्य लेखक हैं उनमें कौन कौन है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, गोपाल प्रसाद व्यास, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह की एक किताब है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बकलम खुद। डॉक्टर नामवर सिंह की जो किताब है बकलम खुद, व्यंग्यात्मक निबंध लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। साहित्यिक भावप्रवण, चिंतन प्रधान उच्च कोटि के निबंध लिखने वालों में अज्ञेय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, शिव प्रसाद सिंह, गजानंद माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि प्रमुख हैं। हिंदी लेखन की परंपरा आज अत्यंत समृद्ध है। तो कुछ उन्होंने कुछ बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने साहित्यिक और इमोशनल और चिंतन प्रधान उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं, तो ये सभी लेखक वैसे ही लेखक हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों में क्या देखा जा रहा है कि नए नए लेखकों का आगमन बहुत कम हुआ है, मतलब निबंध लेखन को आज उतनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं है, इस समय लिखने वाले लेखक बहुत कम है। ललित भावात्मक विचारात्मक निबंध लेखन की प्रवृत्ति कम हुई है, मतलब जो ललित निबंध की जो गरिमा थी, जिस तरीके से वे लिखे जा रहे थे, भावात्मक मतलब इमोशनल और विचारात्मक, जो आइडिया पर बेस्ड जो निबंध लिखे जा रहे थे, उसकी प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। और आज कल जो लिख भी रहे हैं वे पुरानी पीढ़ी के ही लेखक हैं, मतलब नए लेखक इस क्षेत्र में नहीं आ रहे। नए लेखकों के निबंध लेखन की ओर से यह उदासीनता अत्यंत चिंताजनक है। तो नए नए लेखकों को आना चाहिए हिंदी निबंध लेखन के क्षेत्र में। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास किस तरह से हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास,
आर्या बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, लगभग अभी तक 12,000 लोगों ने इसे देख चुका है। तो मेरा अनुरोध है कि आप उसे भी जाकर देखें और इस एपिसोड को भी आप उतना ही प्यार प्रदान करें जितना आपने मुझे हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास के एपिसोड को दिया है। धन्यवाद।